शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर के चौराहों पर बड़ी संख्या में ठिया मजदूर दिखाई देते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ठिया मजदूर की संख्या काफी कम दिखाई दे रही है। ऐसे में कुछ ठिया कामगार अपने गाँव भी वापस चले गए हैं। बचे ठिया कामगारों को काम मिलेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। शहर के अधिकांश क्षेत्र में कई ऐसे ठिए हैं जहां पर सैकड़ों मजदूर काम की तलाश में खड़े रहते दिखाई देते हैं। आज शहर भर में जो भी बड़े बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं और ऊंची ऊंची इमारतें जो दिखाई दे रही हैं, इसके लिए कई मजदूरों की मेहनत, उनका पसीना और रोजगार मिलने का अवसर आदि बातें दिखाई देती हैं। लेकिन जब से देश में शहर में कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, तब से लेकर अब तक कई मजदूर इस शहर को छोड़कर बसों और ट्रेनों में अपने गांव चले गए हैं। एक समय ऐसा था कि शहर के हर ठिया परिसर में 250 से 300 मजदूर कुली काम मिलने के लिए और अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए बड़ी संख्या में दिखाई देते थे और इन्हें काम भी सहजता से मिल जाता था। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से ठिया मजदूरों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। कोई भी उन्हें अब काम नहीं दे रहा है। काम नहीं मिलने से वे काफी प्रभावित हुए हैं। साहब क्या करेंगे, दो महीने से हम लोग घर को है, आज आए हम लोग चौक के ऊपर में, देख रहे हम काम धंधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा घर को। अब क्या करेंगे साहब, कब तक कैसा परेशानी उठाएंगे, कब तक भूखे पैसे रहेंगे। बहुत परेशानी हुई साहब, कभी खाना नसीब होता था, कभी नहीं होता था, और कभी देखो तो काम के ऊपर ही सब कुछ है ना साहब, बाल बच्चे ये सब, इतनी परेशानी हुई हमें। काम कोई भरोसा नहीं है साहब, मिलेगा कि नहीं मिलेगा काम, कोई गारंटी नहीं है। इसके वजह से हम आके देख रहे हैं, आस लगाए बैठे हम लोग चौक पर, कहीं मिल जाए काम। बहुत आते थे साहब, 250-300 आते थे लेबर, मिस्त्री विस्त्री सब मिला के। आज देखो तो साहब 15-20 जने होंगे सर, इसके ऊपर तो नहीं होंगे। ठिया मजदूरों की हालात काफी खस्ता है, इन्हें जल्द से जल्द काम मिलना बहुत ही जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं, इस भुखमरी को लेकर शहर का क्राइम का ग्राफ और भी बढ़ सकता है। ये सभी ठिया मजदूर गरीब जरूर है, लेकिन अपने काम के प्रति काफी वफादार और ईमानदार है। मेहनत से रोजी रोटी कमाना और परिवार का गुजर बसर करना, ये अच्छी सोच आज भी इनमें बरकरार है, ये काफी अच्छी बात है। लॉकडाउन के चलते जो ठिया मजदूर है उनके ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। कुछ ऐसे मजदूर है जो अपने गांव तो चले गए, मगर जो शहर के जो मजदूर है उन्हें आज भी काम नहीं मिल रहा है, जिसके चलते भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। इस ओर प्रशासन ध्यान दे, ऐसी मांग उन्होंने की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।